हेलो दोस्त, एलपी टेक्नीशियन CVT 2 ट्रेड क्लास है जिसका वीडियो नंबर 10 है। और कुछ लोग पूछेंगे कि 9 वीडियो कहाँ गया, तो 9 वीडियो के पीछे आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वो प्लेलिस्ट का है, वहाँ से सारे वीडियो आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। और ये इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का है, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का, जिसको हिंदी में बीबी ने राइट कर दिया। और क्वेश्चन नंबर 131 से 139 तक है, तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 139 तक है, लेकिन इसको हम ट्रिक्स द्वारा बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, ट्रिक्स बताएंगे किसके लिए, नेगेटिव फीडबैक ऑफ एम्पलीफायर। चैप्टर का नाम है एम्पलीफायर, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रवर्धन। और इसमें हम नेगेटिव फीडबैक से सवाल लेंगे, और ट्रिक्स में ही आपको एक ट्रिक्स में सारा प्रश्न को यहाँ हल कर देंगे। तो चलिए, इस परीक्षा उपयोगी प्रश्न के लिए है, केवल एलपी ही नहीं, बाकी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स के एग्जामिनेशन होते हैं उसमें एम्पलीफायर आपका कोर सब्जेक्ट होता है, और एम्पलीफायर से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। रेल एवं मेट्रो रेल से संबंधित किसी भी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए रेलवे लाइफ एलपी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में शेयर करना मत भूलिए। तो सबसे पहले एम्पलीफायर समझते हैं, एम्पलीफायर क्या है और ये प्रवर्धक क्यों बोला जाता है। तो देखिए, किसी भी सर्किट में सिग्नल में एम्पलीफायर लगता है, जिसको ए से मैं यहाँ डिनोट करता हूँ। और इस पे जो सिग्नल आती है वो आती है आपकी ऑसिलेटर से। ऑसिलेटर क्या करता है, डीसी से एसी में सिग्नल जनरेट करता है, और इसे कह सकते हैं एक जनरेटर है। और जनरेटर अगर इलेक्ट्रिकल में जाते हैं तो पावर जनरेटर है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये सिग्नल जनरेटर है। तो ऑसिलेटर हम बाद में बात करेंगे, यहाँ एम्पलीफायर की बात करते हैं। तो ऑसिलेटर से कोई अगर वोल्टेज जनरेट हो रहा है एसी, तो देख सकते हैं इसका मैग्नीट्यूड बहुत छोटा होता है, और इसे ट्रांसमिशन करने के बाद बीच में डिस्टॉर्शन होता है, उसको बढ़ाने के लिए एम्पलीफायर लगाया जाता है। और एम्पलीफायर के आउटपुट क्या करता है, इसी सिग्नल को आवर्धन कर देता है, बहुत बड़ा कर देता है, जिससे रेडियो फ्रिक्वेंसी वगैरह का अलग अलग चीज़ को यूज करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसका काम क्या है, विस्तार करना, जिसको आप प्रवर्धन बोलते हैं, किसी भी सिग्नल को विस्तार करना, बढ़ाना, विदाउट डिस्टॉर्शन या डिस्टॉर्शन जो भी है, लेकिन आपकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अब अगर इसमें देखेंगे तो कितने टाइप के होते हैं एम्पलीफायर, तो एम्पलीफायर की टाइप अलग अलग, पहले ट्रायोड एम्पलीफायर चलता था पुराने जमाने में, लेकिन आजकल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर चलता है। तो हम दोनों के बारे में बात कर लेंगे थोड़ी थोड़ी यहाँ पे, केवल क्या क्या है इसका नाम होता है। तो ट्रायोड एम्पलीफायर में वोल्टेज पावर करेंट एम्पलीफायर, और ये ट्रांजिस्टर में भी सेम रिपीट होता है, दोनों के लिए ये टाइप होता है, वोल्टेज पावर और करेंट। उसके बाद ट्रायोड में बोले तो ऑडियो फ्रिक्वेंसी, रेडियो फ्रिक्वेंसी और डीसी, लेकिन ट्रांजिस्टर की में बात करेंगे तो ऑडियो फ्रिक्वेंसी, रेडियो फ्रिक्वेंसी और आईएफ फ्रिक्वेंसी, इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर काम आता है। और क्लास के टर्म में बात करेंगे तो ए बी सी डी और ए बी सी और ए बी, ये चार टाइप के एम्पलीफायर होते हैं, और ये ट्रायोड और ट्रांजिस्टर दोनों के लिए अप्लीकेबल होता है। लेकिन कपलेड की बात करेंगे, लोड कैसा उस पर है, तो आरसी, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस कपलिंग, इम्पीडेंस कपलिंग, ट्रांसफार्मर कपलिंग और डायरेक्ट कपलिंग, ये आपका होता है ट्रायोड में। और कैस्केड और कंपाउंड एम्पलीफायर होता है ट्रांजिस्टर में, लेकिन ट्रांजिस्टर की सबसे बड़ी टॉपिक आती है यहाँ से, कॉमन बेस, कॉमन एमिटर और कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर से, जो थोड़ी सी पार्ट हमने ट्रांजिस्टर में इसका कर लिया है, कुछ पार्ट इसमें बच रहे हैं, उसको इसमें कंप्लीट करेंगे, इस वीडियो में नहीं, इसके अगले वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो नेगेटिव फीडबैक के लिए है। तो चलिए इसमें देखते हैं, अगर आपको ऐसा प्रश्न मिल जाए जो मैंने बोला है आपको 132 से लेके 39 तक, तो आप क्या करेंगे, आप घबरा जाएंगे। एक ही प्रश्न को तीन तीन छः और दो आठ प्रश्न बनाया हुआ है, एम्पलीफायर फीडबैक करेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ देखिए, नेगेटिव फीडबैक सारा यहाँ से लेके यहाँ तक सारा सेम है, मैं एक बार इसको हाईलाइट कर दूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ तक से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ तक, ये टॉपिक आप देखेंगे तो सब में नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर, एम्पलीफायर फीडबैक नेगेटिव एम्पलीफायर, सब सब सेम है, लेकिन यहाँ चेंज क्या हो रहा है, गेन, बैंडविड्थ, एक्यूरेसी, रिस्पॉन्स टाइम, सेंसिटिविटी, स्टेबिलिटी, डिस्टॉर्शन और इनपुट इम्पीडेंस क्या होता है, और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, क्या बढ़ता है या घटता है निगेटिव फीडबैक में, ये टॉपिक है। और ये अगर एक एक टॉपिक याद करते रहें तो आपको बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, और टेक्निकली आपको
प्रश्न गलत होने की संभावना हमेशा रहता है। कई बार पूछ दिया जाता है गेन क्या होता है, गेन पे क्या प्रभाव पड़ता है, कई बार बैंडविड्थ आएगा, कई बार एक्यूरेसी आएगा, कई बार सेंसिटिविटी आएगा, कई बार स्टेबिलिटी आएगा, कई बार डिस्टॉर्शन आएगा और कई बार इनपुट इम्पीडेंस आएगा। तो ये हम सारे प्रश्न को एक में जवाब आपको देने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे जवाब देते हैं आपको। यहाँ पे हमारे पास एक टॉपिक है, बैटरी से चालू होता है यूएसए का डीजी, और ये हमारा ट्रिक्स भी है, इसको हम ट्रिक्स भी कह रहे हैं, इसी में हमारा सारा चीज़ छुपा हुआ है। तो कैसे छुपा हुआ है इसके बारे में आपको बताते हैं। और ये है एम्पलीफायर निगेटिव फीडबैक करेक्टरसिस। तो करेक्टरसिस की बात किया था तो 3, 3, 6 और 2, 8 टोटल करेक्टरसिस ट्रांजिस्टर का 8 है निगेटिव फीडबैक के कारण। तो आठों के हम एक एक करके टॉपिक में कर लेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं ये क्या है, बी मतलब आपका क्या है, बैंडविड्थ, ध्यान दीजिएगा इसको पहले याद कर लीजिएगा, बी मीन्स बैंडविड्थ, ए मीन्स आपको बताइए सबसे बढ़िया चीज है एक्यूरेसी, टी मीन्स ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। तो ध्यान में आपको आ गया होगा कि ये करेक्टरसिस है और इसको एक लाइन में हम कैसे करेंगे और क्या बढ़ेगा क्या घटेगा। तो चलिए ये हो गया। उसके बाद हमारे पास आ गया यूएसआई, यू से क्या होती है, यू से ध्यान दीजिएगा अनस्टेबल की बात कर रहा है, अनस्टेबल या स्टेबल क्या होगा। एस से बात कर रहा है आपका सेंसिटिविटी, और आई से बात हो रहा है इनपुट इम्पीडेंस। तो ये 6 करेक्टरसिस हो गए, बाकी 2 बच गए उसको भी देख लेते हैं। 2 करेक्टरसिस और है डीजी, डी से है आपका डिस्टॉर्शन, और डी से आपका है डिस्टॉर्शन, और जी से है आपका गेन। तो ध्यान दीजिएगा ये टॉपिक आपने अगर देख लिया हो तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ये टॉपिक क्या है, और जो हमने प्रश्न किया था आपके साथ शेयर किया था कि इसमें सारा गेन बैंडविड्थ एक्यूरेसी ट्रांजिटरी रिपोर्ट सेंसिटिविटी स्टेबिलिटी डिस्टॉर्शन टॉपिक यही थे। तो चलिए इसको एक लाइन में हम बढ़ाते हैं, एक प्रश्न आपका सोल्व हो चुका है। तो ध्यान दीजिए जहाँ भी बैटरी आ जाए BAT बैंडविड्थ एक्यूरेसी और ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, तो नेगेटिव फीड होने पे ये बढ़ता है, तो याद आप रखिए क्या केवल क्या है बढ़ता है। तो आपके 3 प्रश्न हल हो गए हैं, यूएसआई अनस्टेबिलिटी कम होती है, अनस्टेबल हो जाता है, और सेंसिविटी इनपुट इम्पीडेंस क्या होती है घटता है, और डिस्टॉर्शन और गेन दोनों घटते हैं। तो आपके पास एक बढ़ता है घटता है और घटता है। तो क्या आपके पास प्रश्न मिल गया, अगर कोई भी प्रश्न पूछेगा उसमें से आपको डायरेक्ट आंसर देना है। तो हम अगर उस प्रश्न पे जाएं तो हमारे पास जो प्रश्न था हम इसको हम हल अगर करना चाहें तो कह रहा है कि गेन क्या होगा, तो गेन आपने बताया था तो कि गेन निगेटिव फीडबैक से घटता है, बैंडविड्थ क्या होगा बढ़ेगा, प्रश्न आपका सोल्व, एक्यूरेसी क्या होगा बढ़ेगा, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स क्या होगा बढ़ेगा, BAT यही था BAT, 3 बढ़ते हैं बाकी सब घटते हैं, सेंसिविटी क्या होती है घटेगी, स्टेबिलिटी क्या होगी घटेगी, एम्पलीफायर डिस्टॉर्शन क्या होगा घटेगा, इनपुट इम्पीडेंस क्या होगा घटेगा। तो आपके पास सवाल के इतने इजी थे, सारे प्रश्न आपको सोल्व। तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए रेलवे लाइव। तो आपको ये गेन बैंडविड्थ एक्यूरेसी रिस्पॉन्स का क्वेश्चन अगर इस टाइप से आए तो कहीं पे आपको घबराना नहीं है, आपको इसी तरह का चैनल पे हमारे टेक्निकलिटी आपको बताते रहेंगे। और टेक्निकली टर्म में कहने का मतलब हमारा है कि आप टेक्निकली जितने साउंड होंगे उतने प्रश्न की एक्यूरेसी होगी, और इस बार का एग्जामिनेशन में देखा है लोगों का नेगेटिव मार्किंग ही सबसे ज़्यादा नुकसान किया है, लेकिन सब लोग उतने आसपास में थे कि क्वालिफाई कर जाते, और नहीं क्वालिफाई करने का कारण यही है। और यहाँ तक आपने इस वीडियो में देख लिया टाइप ऑफ एम्पलीफायर, कितने एम्पलीफायर होते हैं। तो हम कोशिश करेंगे अगला वीडियो में क्लास ABCD एम्पलीफायर लेके आए जिससे आपकी सोल्व हो जाएगा। और एक प्रश्न इम्पोर्टेंट यहाँ होता है इससे, और एक प्रश्न होता है इससे, यानी यहाँ पे 3 टॉपिक मिनिमम होता है, एक फीडबैक मैंने कर चुका हूँ, 3 टॉपिक और यहाँ पे है, और साथ में एक क्लोज लूप है।
ध्यान दीजिएगा, क्लोज लूप गेन आती है, इसके बारे में भी आपको मिलेंगे। तो इसी तरह के टेक्निकल वीडियो देखने के लिए रेलवे लाइव एलपी चैनल पे बने रहिए, और कोई भी अगर प्रॉब्लम होता है तो डायरेक्ट पॉजिटिव कमेंट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद।